महिषासुर। पहले एक आदमी है। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन परंपरा में उनकी बहुत बुराई की गई है। तो माना जाता है कि वे बुरे हैं, और देवी ने उन्हें मार दिया और उनका वाहन, बेचारा शायद घोड़े का खर्च नहीं उठा सकता था, तो उसने एक भैंस रखी थी। इस संकेत का प्रयोग होता आया है बस ये दिखाने के लिए कि इंसान का जंगलीपन, पशु प्रकृति, The animal nature in a man. इंसान की पशु प्रकृति, क्योंकि आप स्वर्ग से नहीं गिरे थे जैसा कुछ लोग मानते हैं, आप विकसित हुए हैं। वो गुण जो अमीबा, केंचुए, टिड्डे, भैंस और हर तरह के जानवर जो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनके गुणों के अंश अब भी आप में हैं। आप जानते हैं, वे अब भी आपके साथ हैं। तो ये सभी विवश करने वाले झुकाव हैं। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी ये पहचानती है कि आपके दिमाग का एक हिस्सा रेंगने वाले जानवरों का है। ये रेप्टिलियन दिमाग है जो लगभग मुट्ठी के आकार का है। तो विकास की प्रक्रिया और आधुनिक न्यूरोलॉजी ये पहचानती है कि दिमाग का एक हिस्सा है जो रेंगने वाले जानवरों जैसा है। मतलब ये विकास के उस चरण में है जो स्वाभाविक प्रकृति से चलता है और चीजें अलग तरह से करता है, लेकिन उसके ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का फूल विकसित हुआ। अगर आप उसके माध्यम से काम करें, जो ऐसी घटना है जो तब हुई जब मनुष्य की रीढ़ सीधी हुई। रीढ़ सीधी होने के बाद बाहरी फूल विकसित हुआ। यही है जो आपको इंसान बनाता है, यही है जो आपको सृष्टि की सर्वव्यापकता के विचार देता है, यही है जो आपको ये विचार देता है कि सब कुछ एक है, जो आपको वैज्ञानिक बनने के काबिल बनाता है, जो आपको आध्यात्मिक खोजी बनने के काबिल बनाता है। लेकिन अगर आप उस पर फिर से जाएं, तो आप में बस खुद को जिंदा रखने का स्वभाव होगा। तो ये सारी प्रक्रिया इंसान की कोशिशें, शिक्षा द्वारा, आध्यात्म द्वारा, ध्यान के द्वारा, यही है कि इससे दूर जाकर और बाहरी आयाम से काम करना, जो ज्यादा नई घटना है। लेकिन ये आपको जीवन से अखंड तरीके से जुड़े होने का भाव देता है। अगर आप रेंगने वाले पशु वाले दिमाग से काम करेंगे, तो आप बस सीमाएं तय करते रहेंगे। तो जब भी आपको अपने आसपास के लोगों से समस्या हो, हमेशा सीमाएं तय करने की बात हो, ये मेरा है, ये आपका है, ये मेरी जगह है, वो आपकी है, मेरी हवा आपकी हवा, जब ऐसा हो तो आपको समझना चाहिए कि आप यहां आ गए। अब आध्यात्मिक प्रक्रिया योगायाम ये देखता है कि इसे कैसे, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग के सिर्फ एक आयाम से काम करेंगे तो ये कारगर होगा, पर काफी नहीं होगा। आप पूरे दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके प्रमाण मौजूद हैं कि रेंगने वाले जानवर का दिमाग ज्यादा पारदर्शी बनकर बाहरी दिमाग के साथ संपर्क बना सकता है। यहां प्रयोग और अध्ययन है जो ये बताते हैं कि ध्यान के कुछ अभ्यासों से रेप्टिलियन दिमाग, जो हमेशा सीमाएं तय करता है, वो बाहरी दिमाग से संपर्क बनाना शुरू कर देता है और ये एक दिमाग के रूप में काम करते हैं। तो मैं नहीं जानता कि आपने, आपको करना चाहिए, फूल खिलना चाहिए, और इसीलिए योग में आप देखेंगे, सभी चित्रों में, योगिक संस्कृति में,
फूल फूल छोटा फूल छोटा फूल छोटा फूल बड़ा फूल। वो खिल गया। अगर वो खुल जाता है तो अब इंसानी बुद्धि हर चीज को जोड़ने वाले तरीके से काम करती है, ना कि अलग करने वाले तरीके से। तब आप खुद को अलग नहीं करेंगे, आप दूसरों को खुद में शामिल करेंगे। खुद में शामिल करना कोई सिद्धांत नहीं है, खुद में शामिल करना अस्तित्व की प्रकृति है। कोई भी अन्य प्राणी इसे समझने में सक्षम नहीं है, वे सभी सीमाएं तय करने में लगे हैं। कुत्ता हर जगह पेशाब करता है, टॉयलेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं, बल्कि वो एक साम्राज्य स्थापित कर रहा है, पेशाब का साम्राज्य। इंसान इससे अलग नहीं है, वे यही चीज अलग तरीके से करते हैं। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। एक साम्राज्य स्थापित करना, जब हो सके उसे बढ़ाना थोड़ा सा, जब हो सके थोड़ा और बढ़ाना, न हो सके तो दीवार बना लेना। यह हमेशा होता रहता है। तो ये चित्र या ये चिन्ह ये हैं कि उस जानवर को मारकर नीचे गिरा दिया गया है। यही संकेत है, महिषासुर और उसकी भैंस दोनों मरकर नीचे गिर गए हैं। इसका मतलब आप बड़े फूल हैं। संकेत यह भी है कि जब पुरुष प्रकृति अपने ही स्वभाव से जीती है तो यह अपनी मूल प्रवृत्ति में जीती है। मतलब ये जब स्त्री प्रकृति आती है तभी यह थोड़ी सी खुलती है। तो जब यह खुली तो पुरुष प्रकृति या पशु स्वभाव गिर गया उनके चरणों में, क्योंकि उससे वे प्रकट हुई। तो देवी मंदिर में संकेत सिर्फ यही है कि वे पूरी शक्ति से उठ खड़ी हुई तो पशु प्रकृति नीचे गिर गई। दोस्तों, चाहे वो सद्गुरु की बेस्ट सेलिंग बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी हो या फिर वो जीवन जीने का सही तरीका बताने वाली पुस्तक चाहो और पालो, दोस्तों सद्गुरु की ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक से लेकर ऐसी हजारों पुस्तकें आपको मिलेंगी कुकू FM पर, जिनकी सबसे खास बात यह है कि आप इन पुस्तकों को हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती जैसी अपने लोकल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, चाहे आप सुबह योगा कर रहे हो, रास्ते में हो या फिर आराम फरमा रहे हो। दोस्तों, इतना सब कुछ आपको मिलता है कुकू FM की तरफ से दिन सिर्फ ₹1 से भी कम दाम पर। दोस्तों, अगर आप माई ज्ञानालय के सब्सक्राइबर हैं तो दिखाए गए प्रोमो कोड की मदद से शुरुआत के 250 यूजर्स को मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। तो अगर आप अपने जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप कुकू FM। सुने कभी भी कहीं भी।